हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कुछ जो है आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या रहेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ रहेंगी आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में फीलिंग्स। वाओ, 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन सबसे पहले तो है अपनी विश जो है ना, इनको लगेगा कि जैसे कि इनकी विश जो है फुलफिल हो गई है। इनको लगेगा जैसे कि इनके दिल की तमन्ना पूरी तरीके से जो है ना पूरी हो गई है। यहाँ पे ऐसा फील होगा इस पर्सन को, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे और ये पर्सन का ऐसा है कि आपको लेकर के बहुत अच्छी सी एनर्जी में ये पर्सन होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो दुआएं मांगी है, यहाँ पे उसी का फल जो है यहाँ पे दिख रहा है, उसी का फल जो है आपको मिलने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे आपके लिए। चलिए बात करते हैं अदर कार्ड्स की, तो अदर कार्ड्स में निकालती हूँ। द मून की एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे लगेगा इस पर्सन को कि जैसे कि इन्होंने जो है आपके ट्रस्ट को खो दिया है, आपको तकलीफ़ दी है, आपको बहुत ज़्यादा बेचैन किया है, आपके ऊपर ब्लेम लगाया है, या फिर आपको किसी तीसरे के कारण से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ी है। तो यहाँ पर ये पर्सन को थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको गिल्ट फील होगा। यहाँ की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए जो है फील करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये पर्सन रात को सो नहीं पाएंगे, अच्छे से चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान रहेंगे। यहाँ पे जब भी ये पर्सन बेड पे जाएंगे, ठीक है, उस वक्त सबसे पहले आपकी याद आएगी इनको, और उस वक्त याद आने का ऐसा है कि ये पर्सन बेचैन हो जाएंगे। देखो, यहाँ पे ऐसा भी है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ने इनको कुछ कहा है, ठीक है, किसी ने भी इनको कुछ कहा है जिसकी वजह से ये पर्सन सोच में पड़े हुए हैं। चलिए अदर कार्ड निकालते हैं। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ऐसा फील करेंगे जैसे कि आप इनके पास आ रहे हो, ठीक है, आप इनके लिए एक्शन ले रहे हो, आप इनके लिए डिसीजन ले रहे हो, आप इनके पास जो है मिलने के लिए आओगे, क्योंकि इनकी सिचुएशन को आप जानते हो। ठीक, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब दिख रहा है कि ये पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि मैं गलत था, मैंने गलत किया, मुझे गलत नहीं करना चाहिए था। तो ये पर्सन जो है अब आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। चलिए यहाँ पे भी कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन अब आपकी वैल्यू को समझेंगे, अब जो है आप क्या हो, ठीक है, ये पर्सन को समझ में आ जाएगा। अब ये पर्सन टोटली समझ पाएंगे कि आपकी वैल्यू क्या है, आप किस एनर्जी में हो, या फिर आप जो है इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा महत्व रखते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी आज यही रहेगी। ये पर्सन का नेक्स्ट 24 आवर्स में यही वाली एनर्जी के साथ ये पर्सन को फील होगा आपके लिए। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।